बाड़ी सर्कल ऑफिसर एडिशनल एसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत धौलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा एवं बाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कमल कुमार जांगिड़ के निकटतम सुपरविजन में अवैध शराब आर्म्स एक्ट वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बसई डांगा थाना एसएचओ गंजाम सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए मौके पर भेजा गया। वहीं पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए वरीपुरा मोड़ के पास किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए 20 वर्षीय बदमाश बादल उर्फ पंकज पुत्र बच्चू व 20 वर्षीय पवन पुत्र सुगरमन जातिगत गुजर निवासीगण वरीपुरा थाना बसई डांग जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी बदमाश बादल उर्फ पंकज गुजर के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस तथा 20 वर्षीय पवन गुजर के कब्जे से दो जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ थाने पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है। सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में शामिल कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों तथा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस का धरपकड़ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।